हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म मींस शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी होना। इंडिया में औसतन देखा जाए तो हर 10 या 11 में से एक जन को थायराइड का प्रॉब्लम है, और फीमेल्स में ये यंग फीमेल्स में पर्टिकुलरली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड हार्मोन की कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है, रिपीटेड अबॉर्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इवन बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर पैदा हो सकता है। जो अर्ली सिम्टम्स हैं थायराइड के, उसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा थकान लगना, कमज़ोरी लगना, जॉइंट्स में पेन होना, शरीर में पेन होना, बाल झड़ना या बहुत पतले बाल हो जाना, नेल्स ब्रिटल हो जाना, ड्राई स्किन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, और इसके अलावा फेस पे पफिनेस आना, वेट बढ़ते जाना। अगर आप इसमें से इस तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से जाके मिलें, अपना थायराइड चेक कराएं, जो कि छोटा सा टेस्ट है, और उसके बाद आप थायराइड लेवल के हिसाब से डॉक्टर के कहे अनुसार अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, बहुत ही छोटा सा थायराइड का टैबलेट होता है जो आपको मॉर्निंग में खाली पेट लेना रहता है। इस टैबलेट में सिंथेटिक थायराइड हार्मोन लीवोथायरोक्सिन होता है, जो कि आपकी बॉडी चूंकि कम बना रही है तो हम इसको बाहर से रिप्लेस कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो तो मिसकैरेज का रिस्क रहता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क रह सकता है, बच्चे का अंदर डिमाइस भी देखा गया है एक्सट्रीम केसेस में, और बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन चेक कराना बहुत ज़रूरी है, और चूंकि प्रेगनेंसी में इसकी वैल्यूज़ अलग रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं, तो स्पेशलिस्ट से मिलके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट लेना रहेगा। जो फीमेल्स या महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं वो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले थायराइड का टेस्ट कराएँ, और अगर थायराइड का प्रॉब्लम निकलता है तो प्रेफरेबली आप थायराइड हार्मोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करके थायराइड लेवल चेक करा के जब ये कंट्रोल हो जाए उसके बाद आप प्रेगनेंसी करें तो बेहतर रहेगा। थायराइड का ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद नियमित अंतराल पे आपको थायराइड का टेस्ट कराना रहेगा, ये देखने के लिए कि आपका ट्रीटमेंट सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।